चैनल कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड मैं भी ठीक ही ठाक से हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है। अभी 5 भी नहीं, अर्ली मॉर्निंग है और अभी 5 बज रहे हैं। यहाँ पे मैं पानी गर्म कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने की मुझे आदत है। तो बस पानी मैं गर्म करके पी ले रही हूँ और साथ ही साथ मुझे बॉटल भी साफ़ करना है। उसमें मुझे कुछ चीज़ें, मैंने कल ही सारा कुछ पैक कर लिया था तो अभी वैसा कुछ पैक करने को नहीं है। और बाहर अभी सही बताऊँ ठीक से उजाला भी नहीं हुआ है और सुबह सुबह ना हल्की हल्की सी ठंड लगती रहती है। ऐसा लगता है एक पतला सा स्वेटर या पतला सा कुछ डाल लो, लेकिन वैसे अगर पहन लो तो 10 मिनट के बाद गर्मी भी लगना शुरू हो जाती है। तो पहनना तो नहीं है। और घर से जब जाओ तो बहुत ही बुरा लगता है। एंड हम लोग तो घर छोड़ कर ही जा रहे हैं, शहर छोड़ करके ही जा रहे हैं, तो और भी ज़्यादा लग रहा है। तो फाइनली हम लोग प्रयागराज को बाय बोल करके निकल रहे हैं और देखते हैं अभी आगे आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेंगी ब्लॉग में, तो कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग देखते रहिएगा। एंड अक्षत अध्याय भी सो रहे हैं और उनको रेडी करना है। सामान तो हमारा ऑलमोस्ट सारा पैक हो चुका है, बस गाड़ी में ही रखना है। और अक्षत अध्याय को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उठाने में क्योंकि अभी सुबह सुबह वो दोनों नहीं उठने वाले, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और मैंने बस नहाया है, जस्ट नहाने के बाद तैयार हो गई हूँ क्योंकि नहा धो करके निकलो घर से तो फ्री रहना होता, वरना इतना काम भी अटका रहता है। पहुँचने के बाद ये भी करना है, नहाना धोना भी है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अर्ली मॉर्निंग कहीं से घर से निकल रही हूँ तो ये सारे काम ज़रूर करके निकलूँ। और नाश्ते में भी देखती हूँ कुछ पोहा वगैरह बोलेंगे तो बना दूँगी, एंड नहीं तो फिर कॉफ़ी और नमकीन बिस्किट यही सब ले लेंगे। तो इतना ही हमारा नाश्ता हो जाएगा। और अक्षत अध्याय के लिए कुछ दूध वगैरह पैक कर लूँगी रास्ते के लिए, तो इन लोग को रास्ते में ही दे दूँगी और बिस्किट वगैरह रख लूँगी। तो चलो फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू कर देते हैं, बातें कर लेते हैं और बाहर का आपको नज़ारा दिखाती हूँ। अभी सुबह सुबह क्या हो रखा है, ये देखो कुछ ऐसा है, हल्का हल्का सा रोशनी होना शुरू हो गया। अभी तक हमने गेट का लॉक भी नहीं खोला है, तो थोड़ी देर में अभी गेट का लॉक खोलते हैं तो फिर आपको अच्छे से दिखाएंगे बाहर कैसा भी हो रखा है। तो पानी पी लेती हूँ और सुबह गर्म पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। इवन जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनको तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने गर्म पानी शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग में नहीं अच्छा लगता, एक दो बारी पियो तो फिर बड़ा अजीब अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे 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 हैबिट पड़ जाती है। और एक बारी आपको हैबिट पड़ गई तो बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो आप लोग भी ट्राई करना, अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो गर्म पानी पीने से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। तो चलो फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग घर से निकल चुके हैं और ये देखो अक्षत और आद्या दोनों लोग बैठे हुए हैं और ये दोनों लोग बस सो के उठे हैं और गाड़ी में बैठ गए हैं। तो अभी हम लोग पेट्रोल टंकी पर रुके हुए हैं, कार में पेट्रोल डलवा रहे हैं और सिटी से अभी निकले हुए हमें आधे घंटे हो गए होंगे। तो आधे घंटे हमारी ट्रेवलिंग हो चुकी है एंड अभी रास्ते में हमें एक दो जगह रुकना है, तो अभी हमें कहीं और भी जाना है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ब्लॉग देख करके, देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं तो आगे आपको पता चलेगा। एंड सुबह बिल्कुल भी रश नहीं है, रोड बिल्कुल खाली है। तो चलो पेट्रोल वगैरह डला लिया है और जो सफर होता है वो काफी अच्छा होता है। तो हम कब निकले और कब पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला है, तो बस हमें 1 घंटे 1.5 घंटे लगे हैं। वैसे ट्रैफिक की वजह से दोपहर में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम बहुत टाइम से पहुंच गए हैं। और मेरे मायके में मेरे पापा जी को अगर कहीं निकलना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मॉर्निंग का समय चूज करते हैं। तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ मेरे मायके और देख सकते हो दोनों साइड आपको आम के बगीचे दिख रहे हैं और आम में इस टाइम पर खूब सारी बौर आ गई
आई है। तो बौर आने का मतलब है कि कुछ दिनों में आम के पेड़ों में छोटे छोटे से आम लग जाने वाले हैं। तो बचपन में आम जब हम लोग छोटे छोटे थे तो तोड़ तोड़ करके ना अमिया का बहुत इंतज़ार रहता था, तो खुद ही जा करके बगीचे में आमियाँ तोड़ तोड़ के खाते थे। और सुबह का व्यू आप देख सकते हो, और गाँव की बात ही अलग हो जाती है, एकदम नेचुरल व्यू होता है। और ऐसा व्यू किसको नहीं अच्छा लगेगा, नीला आसमान और नीचे हरे भरे खेत, बीच से रास्ता, देख सकते हो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। तो इसको तो मैं अपने कैमरे में मतलब रिकॉर्ड करना भूल ही नहीं सकती थी, इतना अच्छा लग रहा था। और इधर साइड जो है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगता है हमारा गांव। हमारा गांव तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद, वैसे सभी को अपना गांव बहुत पसंद होता है। और यहाँ से हमारे आम की बाग शुरू हो गई है, मतलब मेरे पापा जी लोगों की, तो ये यहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक हमारा घर है वहाँ तक हमारी बाग भी है। तो बहुत अच्छा लगता है। और देख सकते हो अभी इस टाइम पे ना दोनों साइड आपको आम के बगीचे दिख रहे हो। और अक्षत आद्या जो है वो पहुंच गए हैं अपने नानी के घर और बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि पहले इनको नहीं पता लोग नानी के घर जा रहे हैं, तो अभी इनकी खुशी बढ़ गई है। और हम घर बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, तो देख सकते हो ये है हमारा घर और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, एकदम खुला खुला सा है सब कुछ, पूरा ओपन स्पेस है। तो बाहर ही सब लोग खड़े हुए हैं, पापा हैं, बाबा हैं, हमारी फैमिली के ज़्यादातर सभी लोग बाहर ही रहते हैं। तो बस हम लोग पहुंच गए हैं और अक्षत आद्या गाड़ी से उतर के सीधा घर के अंदर जाएंगे। दोनों पहुंच गए अपने मायके और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा नया घर। इधर नया घर बन गया है, तो अभी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, काम चल रहा है। और ये देखो इधर ये टॉयलेट बनेगा पूरा, तो काफ़ी बड़ा बाथरूम निकलेगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अच्छा रहेगा। एक साइड में है और इधर साइड एक रूम भी निकल आया है, तो ये आपको दिखा देती हूँ मैं। ये तो ये पूरा एक रूम बनेगा, अभी सीढ़ी उड़ी रखी है, फिर छत भी पड़ेगी इसके ऊपर और ये पूरा ओपन स्पेस रहेगा इधर, तो देख सकते हो। और बाहर चलती हूँ तो इधर देख सकते हो हमारे गांव का नज़ारा, और गंगा जी आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, तो पीछे बहुत अच्छा लगा करेगा। और हम लोग अब इस तरीके से पीछे भी आ जाएंगे, तो यहाँ से देख सकते हो गंगा मैया कितने पास दिख रही हैं, तो आप सब भी गंगा मैया के दर्शन कर लो। और बहुत अच्छा लग रहा था, तो चलो हम लोग मायके पहुँच गए हैं। और सुबह हम लोग 6 बजे वहाँ से निकले, निकलते निकलते 6:30 हो गए थे और अभी टाइम हो रहा होगा 8 बजे का। 8 बजे हम लोग पहुँचे हैं यहाँ, 1.5 घंटे हम लोगों को लग गया पहुँचने में और 8 बजे हम लोग यहाँ आ गए हैं। और अप्रॉक्स आधे घंटे बाद हम लोग यहाँ से निकल भी लेंगे, तो आधे घंटे बाद निकलेंगे यहाँ से, तो 2-3 घंटे हमें लग जाएगा पहुँचने में। और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बदला बदला सा घर लग रहा है। पीछे ये देखो इस तरीके से छत से, अक्षत ओ अक्षत, तो चलो अभी चलते हैं और दिखाते हैं निधि क्या कर रही है किचन में। निधि बना रही है मैगी अक्षत आद्या के लिए, ये देख सब कुछ बन गया, पूरी सब्जी सब। चलो चलते हैं अभी छत पे, छत से आपको दिखाते हैं नजारा अपने गांव का। तो गांव आने के बाद एकदम अलग ही खुशी हो जाती है। और छत से ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से बाउंड्री हो गई है और इधर पूछ पीछे पूरी छत का व्यू है, देख सकते हो। और इधर साइड हमारी चाची का घर है, धूप अच्छी खासी तेज हो गई है। खुश रहो, क्या हो रहा है। ये है हमारी चाची का घर, तो छत से ही मैं भाभी से बात भी कर ले रही हूँ और वो मुझे यहीं से प्रणाम कर रही है और मैं उसको वहीं से आशीर्वाद भी दे रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है, छत से ही बातें हो जाएंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वहाँ पे जाके मैं मिल सकूँ, थोड़ी देर बैठ सकूँ और मायके आऊँ और अपनी चाची के घर ना जाऊँ, अपनी भाभी से ना मिलूँ, तो ये भी तो नहीं हो सकता है। तो बस मैंने यहीं से हाय हेलो कर लिया है, प्रणाम आशीर्वाद हो गया है। तो चलो अभी आद्या खूब खुश है, आद्या धृति को देख के खुश है, धृति से बातें कर रही है। तो अभी चलते हैं नीचे और गाड़ी से कुछ सामान है जो मुझे यहीं पर निकाल के रख दे
देना है। तो मैं और निधि दोनों लोग बाहर आ गए हैं और गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा सामान भरा हुआ है, तो अभी ठीक से सेट भी नहीं था। तो मैंने निधि से बोला कि चलो निधि थोड़ी सी हेल्प कर दो, तो अच्छे से सामान सेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा बहुत सामान हो गया है जो कि मम्मी मुझे दे रही हैं, तो जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा हमारी कार ऑलमोस्ट पूरी फुल हो गई है। और आज हमारी कार ना ट्रक का काम कर रही है, बहुत ज़्यादा सामान भर दिया है इसमें हम लोगों ने, बट क्या करें, थोड़ा थोड़ा करते करते ना बहुत सारा सामान हो गया है। यहाँ से हमारे लिए खाना बनाया हुआ है, तो खाना भी पैक करना है। तो टिफ़िन मैं वहाँ से ले आई थी, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तो मम्मी ने यहाँ से कई सारे टिफ़िन मुझे दे दिए थे, तो बस वही मैं निधि को निकाल के दे रही थी। और देख सकते हो पपीते कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत लालच लगता है। और कच्चे पपीते का कोफ्ता भी बहुत अच्छा बनता है, और कच्चे पपीते का हलवा भी बन जाता है, तो अच्छा लगता है और ट्राई करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से पपीते ना घर में ही हो जाते हैं, अभी गर्मियों के सीज़न में ना सब तोड़ तोड़ के ना घर से ही पपीते आराम से खाएंगे। और चलते हैं अभी अंदर, सुबह सुबह आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है मेरे मायके में। तो बस मेरे जाने की सारी तैयारियां हो रही हैं, और मुझे सच में टाइम तक नहीं है कि मैं ठीक से बैठ करके सबसे बात कर लूं। और अभी निधि ने यहाँ पे मैगी बना लिया है, तो पहले वो अक्षत को और आद्या को खिला देगी। और मैगी इसलिए बनाया था कि सुबह ये लोग आराम से खा लें, तो निधि मासी यहाँ पर आद्या को खिला रही है, तो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। और ये है मैगी अक्षत की, तो अभी अक्षत देख लो कैसे बोल रहा है कि मुझे नहीं खाना, सुबह सुबह इसको कुछ भी नहीं खाना रहता, और ये ऐसे ही हाथ करके बैठा हुआ है। सुबह सुबह तो क्या मैं बोलूँ, इनको कभी भी कुछ नहीं खाना रहता है। और यहाँ पर मम्मी हमारी जो है पैकिंग कर रही है, तो दिखाते हैं आपको मम्मी ने क्या क्या बनाया हुआ है। तो ये मम्मी ने पूड़ियाँ बनाई हुई हैं, और मम्मी ना पूरा भरती जा रही हैं कि मैं दो तीन से तीन दिन तक शायद मेरी पूड़ियाँ नहीं ख़त्म होंगी, लेकिन अच्छा रहता है। फिर अभी हम नए जगह जा रहे हैं और सारी चीज़ें भी हमारी सेट भी नहीं है वहाँ पर, तो अच्छा रहता है, अपने पास खाना पीना रहता है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं आराम से मैनेज हो जाता है। और यहाँ पर मम्मी ने आलू बैंगन सोया मेथी की सब्ज़ी बनाई हुई है, और साथ में बॉयल करके आलू भी तल दिया है। तो चलो फिर मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन, एंड मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।